हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु और स्वागत है आप सभी का सीट एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीट एट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो लैंग्वेज वन में हिंदी पूछी जाती है उसके क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको पेपर टू और पेपर फर्स्ट में जो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी कराए जाएंगे सीक्वेंस से। तो आप अगर सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको कंटेंट अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के थ्रू आपकी इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो रेगुलर इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी और क्योंकि इसमें पैसेज भी आता है तो पैसेज कैसे सॉल्व करना है वो भी एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो पैडागोजी और पैसेज दोनों के ही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, और आज जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है वो है 20 दिसंबर 2021 का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज पर आधारित। देखो, पैसेज जब भी आप सॉल्व करें तो पैसेज को नहीं पढ़ना है, सीधे चलें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि कुछ ग्रामर पर बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बिना पैसेज पढ़े सॉल्व कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व करते हैं तो पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो पैसेज आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ये है, दिव्य शक्ति के रूप में हम किसे पूजते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले ही दिया हुआ है ऊपर ही, जल और पवन को हम दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है जल और पवन को हम दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं। तो सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, जल पवन। तो ये जो आप डैश देख रहे हैं बीच में, इसका मतलब और होता है, तो और यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो गद्यांश ये वैसे लंबा था जिसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें जिसका आंसर है मैंने उतना पार्ट लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर ये नहीं दिख पाता इसीलिए। तो गद्यांश से ज्ञात होता है कि मानव की जिज्ञासा बढ़ने का कारण है। तो मानव की जिज्ञासा बढ़ने का कारण अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा सेकेंड हो जाएगा, भौतिकवाद का पाँव पसारना। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ईजी हैं क्वेश्चन इसमें फाइंड आउट करना। तो कुछ पैसेज तो ऐसे होते हैं जिसमें आप इजीली क्वेश्चंस फाइंड आउट कर पाते हैं। देखो, लैंग्वेज वन आप वो चुनें जो आपकी मातृभाषा हो, जो आप बोलते हुए आए हैं। मातृभाषा को अगर लैंग्वेज वन के तौर पर चुनेंगे तो आपको इजी लगेगी, लेकिन अगर आप एक्सचेंज कर देते हैं, वो लैंग्वेज टू कर देंगे और लैंग्वेज फर्स्ट वो वाली कर देंगे जिसको आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो वो आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगी। तो लैंग्वेज फर्स्ट जो है अगर वो आपको आती है तो ही वो आपको ईजी लगेगी। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान मानने की बात किस वाक्य में सटीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, वन संरक्षण द्वारा धरणी को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ से अगर पढ़ें तो एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान मानने की बात सर्वथा सत्य है। वन धरणी के जीते जागते स्वर्ग हैं, वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न होता है, इसलिए वनों का विनाश रोकें और धरिणी का निशंस दोहन से बचाव करके उसका श्रृंगार करें। धरिणी को प्रलय के महामेघ से बचाने में आम मनुष्य कारगर भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से यही बात की गई है लास्ट वाली लाइन में, और धरिणी की बात हो रही है। धरिणी ये पर्यायवाची शब्द यूज़ कर लिया है पृथ्वी के लिए, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद से ज्ञात होता है कि प्रकृति ने स्वच्छ, इसके आगे आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन, हवा मुक्त हस्त से लुटाई है। हस्त मतलब हाथ, मुक्त हस्त हो जाता है खुले हाथ से, जैसे हम किसी चीज़ को खुले हाथ से लुटाते हैं, जैसे कि मतलब खुले हाथ से लुटाना मतलब बहुत ज़्यादा लुटाना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ पर आप सबसे पहली वाली लाइन में देखें, प्रकृति ने स्वच्छ हवा मुक्त हस्त से हमें लुटाई है। मतलब कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको ऐसे ही लुटा देना, मतलब ये नहीं देखना थोड़ी है ज़्यादा है। तो फर्स्ट लाइन में ही ये आंसर दिया हुआ है इसका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन धरिणी के जीते जागते स्वर्ग हैं, प्रदर्शन के आधार पर अनुच्छेद की प्रभावशाली वाक्य संरचना पुष्टि करती है। तो किस चीज़ की ये पुष्टि करती है ये वाली लाइन, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फोर, वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न मिलता है। ये यहाँ पर अगर देखें तो एज इट इज़ ये लाइन लिखी हुई है, वन धरिणी के जीते जागते स्वर्ग हैं, वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न होता है। स्वर्ग क्यों है? स्वर्ग इसलिए हैं क्योंकि वन जो होते हैं तो उनसे बारिश होती है और बारिश से अन्न होता है। तो
तो अन्न जब होगा तो वो तो स्वर्ग हो ही जाएगा, क्योंकि इंसान के जीने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए, खाना चाहिए, तो इसीलिए स्वर्ग कहा गया है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब ये ग्रामर से आ गया, तो इसमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसेज जब पढ़ना पड़ेगा आपको, जब आपको मीनिंग नहीं आता होगा, जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आपको वो लाइन पढ़नी है, उस लाइन से समझ में नहीं आता है तो दो तीन लाइन पढ़ें उसके आसपास की, और अर्थ करीब करीब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या है, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मीनिंग नहीं जानते हैं तो, लेकिन विज्ञान के युग में पैर रखते ही मानव की जिज्ञासा बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी? जिज्ञासा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिज्ञासा मतलब क्या है, मतलब उसकी जानने की इच्छा बढ़ी, जैसे ही विज्ञान में एंटर किया वो, तो ये जानने की इच्छा हुई ना कि विज्ञान आखिर है क्या, काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं उसमें। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर, धरती को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सके। तो धरती को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सके इसलिए प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। और संतुलन देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ तो इनडायरेक्टली आपको मिलेंगे इसमें और कुछ आपको डायरेक्टली ही मिल जाएंगे। यहाँ से आप पढ़ेंगे अगर, देखो यहाँ पर मिलेगा, सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए इन सब में संतुलन बनाए रखना रखने की आवश्यक है। और यहाँ पर अगर आप और भी पढ़ें तो लास्ट में आपको ये मिल जाएगा, मतलब पूरी बात कहने के बाद इन्होंने लास्ट में लाइन दी हुई है कि धरणी को प्रलय के महामेघ से बचाने में आम मनुष्य कारगर भूमिका निभा सकते हैं। तो देखो प्रकृति का संतुलन कब बनेगा, जब हम पेड़ लगाएंगे, जब वन होंगे, इसी बात के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखो मन से हमें आंसर नहीं करना है, जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे चीज़ जो खास दी हुई है क्या है, हमारी रक्षा का एक उपाय, जैसा कि दिया हुआ है ना ये वन लाइन के बारे में क्या कहा है, उक्त विषम स्थिति में हमारी रक्षा का एक उपाय क्या है, वन संरक्षण। यहाँ पर बात हो गई है ना वन संरक्षण की, तो वृक्ष हमारे मित्र हैं और रक्षक भी हैं, हमें प्राणवायु देते हैं और जल भी, तो सारे गुणगान यहाँ पर वृक्ष के बारे में किए गए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा, हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरणी जो है सृष्टि का आधार है, वाक्य में निहित शब्द सृष्टि का विलोम शब्द है। देखो सृष्टि का मतलब होता है प्रकृति भी, और प्रकृति के अलावा निर्माण भी सृष्टि का मतलब होता है। तो निर्माण का जो अपोजिट हम देखें अगर, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन प्रलय। प्रलय का मतलब होता है विनाश, विनाश। तो सृष्टि का मतलब क्या है, निर्माण, और निर्माण का उल्टा क्या हो गया, विनाश करना, जो चीज़ मतलब ख़त्म हो रही है। निर्माण मतलब कोई नई चीज़ आ रही है, और विनाश मतलब कोई नष्ट हो रही है चीज़। तो एक तरह से प्रलय जो है सृष्टि का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। देखो वर्तमान का मतलब जो प्रेजेंट में चीज़ हो रही है, प्रेजेंट में कोई वाक्य है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वन धरती के जीते जागते स्वर्ग हैं। तो ऑप्शन थ्री वही है कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, थ्री इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता का मूल भाव है, जो कविता यहाँ पर दी हुई है ये कविता पर आधारित क्वेश्चंस हैं। इससे पहले किस पर आधारित थे, पैसेज था, गद्यांश था, यहाँ पर ये पद्यांश दिया हुआ है, कविता की कुछ लाइनें दी हुई हैं, और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, आत्मनिर्भर बनना। मूल भाव से मतलब है किस बारे में इसमें बात की गई है, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने की ज़्यादातर बात हो रही है। आप अगर लाइनें पढ़ें तो आत्मनिर्भर है यदि तू, कठिनाई तेरी कांटे फीके, आत्मनिर्भर तू रे बन तो देश तेरा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर यदि देश तेरा तो भविष्य क्या रे सुंदर तेरा। तो बेसिकली आत्मनिर्भर बनने की इसमें बात हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुंदर भविष्य से कवि का आशय है, मतलब सुंदर भविष्य जो इसने कहा है उससे क्या मतलब है इसका। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर है ये लास्ट लाइन में, तो भविष्य क्या रे सुंदर तेरा, तो इसका क्या मतलब है, ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब अगर आत्मनिर्भर तुम हो जाते हो, खुद पर डिपेंड हो जाते हो, तो भविष्य भी तुम्हारा सुंदर हो जाता है, एक तरह से ये कह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्ममंथन शब्द का अर्थ है, आत्ममंथन आपने सुना भी होगा कि जैसे आत्ममंथन करें, तो यहाँ पर ये पोएम में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो तो स्टार्टिंग की दूसरी लाइन में है, समय आश्चर्य परीक्षा ये तत्पर सदा आत्ममंथन कर। आत्ममंथन का मतलब होता है स्व विश्लेषण करना, खुद का विश्लेषण करना, खुद के बारे में चीज़ों को जानना, खुद का ही विश्लेषण करना, वो होता है आत्ममंथन, खुद के बारे में जानना, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गुरु बनने हैं तो कवि की क्या राय है।
तो विश्व गुरु के लिए यहाँ पर आप लास्ट में देखें, लास्ट से जो आप सेकंड लाइन देखेंगे, विश्व गुरु ये फिर बनेगा वस्तु बन कुछ आत्मनिर्भर, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें आत्मनिर्भरता से रिलेटेड दिए हुए हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आत्मनिर्भरता है तो परिश्रम करना। तो इन लाइनों से आप समझ भी जाएंगे जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये पूरी लाइन से आप समझ जाएंगे यहाँ पर, तो करेक्ट जो मीनिंग है वो आपको इसमें मिल जाते हैं पैसेजेस में, चाहे वो पोएम हो चाहे वो क्या बोलते हैं पैसेज हो, तो दोनों में ही आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो हिंदी की बात करें या फिर कोई और भी लैंग्वेज हो उसमें भी ऐसा ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से सुंदर शब्द क्या है? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा विशेषण। सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है, और सुंदर की अगर बात करें तो ये एक तरह से क्या होता है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो विशेषण हो जाएगा सुंदर शब्द। तो कौन सा शब्द है जिसकी विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है भविष्य की विशेषता, कि भविष्य क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, भविष्य एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, दूजों के जो हाथ पकड़े हाथ उनके कब के छूटे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है श्लेष, और श्लेष जो है ये अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे दो शब्द हाथ और हाथ, यहाँ पर ये हाथ का मतलब दो अर्थ निकल रहे हैं, ये हाथ का मतलब वो हाथ नहीं है, ये जो हमारा हैंड होता है ये हैंड इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो श्लेष वहीं पर होता है जहाँ पर शब्द का तो कई बार यूज़ हुआ हो, सेम शब्द का लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, या फिर वो शब्द एक बार भी यूज़ हो सकता है लेकिन उसके अर्थ जो हैं दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हाथ का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखें तो यहाँ हाथ और साथ का वर्णन है, ये जो हाथ है इसका मतलब क्या है, साथ। यहाँ कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो लोग दूसरों का साथ लेते हैं या फिर दूसरों का हाथ पकड़ते हैं, दूसरों का सहारा लेते हैं, उनका साथ छूट जाता है, ये इसका मतलब है एक तरह से। तो हाथ और साथ, इस हाथ शब्द का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दो अर्थ ये दे रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जो सिमिलर शब्द होता है उसके कई मीनिंग निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, तो इसी वजह से जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और स्कोर भी अपना ज़रूर बताएं कि 15 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं। मॉक टेस्ट की तरह किया करो आप, जो भी मैं कराती हूँ प्रीवियसर क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।